हेलो घोस्टली आर्मी, कैसे हो आप सब। तो आज मैं रिव्यू और एक्सप्लेन करने वाला हूँ हैना ग्रेस मूवी को, जो इंडिया में हिंदी में 7 दिसंबर को रिलीज हुई है। इस मूवी के फिल्म के रिव्यू और रेटिंग्स की बात हम अंत में करेंगे, और उससे पहले मैं आपको इस मूवी को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो चलिए अब चलते हैं सीधा द पोजेशन ऑफ हैना ग्रेस मूवी की तरफ। मूवी के ओपनिंग सीन में ही हमको दिखाया जाता है कि हैना नाम की एक 15 साल की लड़की के शरीर पर एक डीमन ने काबू कर लिया है। ऐसा धीरे धीरे हुआ। पहले डिप्रेशन, मूड स्विंग्स और ज्यादा ध्यान ना देने जाने की वजह से डीमन ने उसके शरीर पर पूरी तरह से काबू कर लिया। इसके पिता के बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पे चर्च ने मल्टीपल टाइम्स एक रिचुअल परफॉर्म करके उस डीमन को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, पर कुछ असर नहीं हुआ। और मूवी का ओपनिंग सीन आखिरी कोशिश थी उस डीमन को बाहर निकालने की, पर इस बार एक फादर की मृत्यु हो जाती है और उनके असिस्टेंट को भी ये डीमन मारने ही वाला होता है। पर हैना के पिता एक पिलो को लेकर हैना का गला दबा देते हैं और हैना की मृत्यु हो जाती है। और अब शुरुआत होती है। अब 3 महीने बीत जाते हैं और एक एक्स कॉप मैगन दिखाई जाती है, जो कि बहुत समय से एक हादसे के गिल्ट से अपनी जिंदगी को काट रही है। इस हादसे की वजह से मैगन ने पिल्स और अल्कोहल पीना शुरू कर दिया था, और मैगन का अपने बॉयफ्रेंड एंड्रयू कर्ट्स के साथ में भी ब्रेकअप हो जाता है। जॉब तो मैगन ने छोड़ ही दी थी, पर मैगन नई जिंदगी जीने का फैसला करती है, और मैगन ने अब पिल्स लेना और अल्कोहल पीना छोड़ दिया था। लेकिन बीच बीच में पिल्स और अल्कोहल पीने की इच्छा बहुत होती है, पर मैगन काफी स्ट्रांग थी। अब बॉस्टन मेट्रो हॉस्पिटल में मैगन की दोस्त लीसा, जो कि एक वहां पर नर्स की तरह काम कर रही थी, मैगन लीसा से रिक्वेस्ट करती है कि वो भी वहां पर काम करना चाहती है, और लीसा डॉक्टर ल्यूइस से बात करती है। वहां पर मैगन को मॉर्ग में नाइट शिफ्ट जॉब मिलती है, जिसका टाइमिंग था रात 11 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक, और यहां वार्निंग्स शुरू हो जाती हैं कि मूवी में अभी काफी कुछ होने वाला है। मैगन का वहां पर काम था कि जो भी डेड बॉडी वहां पर आएगी उसके क्लोजअप फोटोज और फिंगरप्रिंट्स को सिस्टम में अपलोड करना है, और कुछ नॉर्मल डेटा एंट्री वर्क। और वैसे भी रात का समय था और ज्यादा काम वहां पर होता नहीं था। मैगन का पहला दिन शुरू होता है और बस वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड से मुलाकात होती है, जिसका नाम होता है डेव। अब मॉर्ग के अंदर एक सेंट्रल लाइट सिस्टम था, अगर एक पॉइंट में प्रॉब्लम आई तो बाकी सारी लाइट्स भी ऑफ हो जाया करती थी। मॉर्ग जाने का रास्ता थोड़ा डिफरेंट था और लिफ्ट से डाउन स्टेयर्स करके जाना पड़ता था। उसके बाद 2 गेट से एक मॉर्ग की तरफ जाया करता था और एक ओपन होकर पार्किंग एरिया में, जहां से डेड बॉडीज को मॉर्ग के अंदर लाया जाता था। अब मैगन के पास एक आईडी थी जिसके होने से ही एंट्री हो सकती थी, और एक बात मुझे कहनी पड़ेगी, वो एनवायरनमेंट और वो सेट काफी क्रीपी लगता है। खैर, पहले दिन तो कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती और सब कुछ काफी ज्यादा स्मूथ चला जाता है। अगली सुबह एंड्रयू मैगन के घर आता है अपना कुछ सामान लेने, और वहाँ थोड़ा इमोशनल सीन दिखाया जाता है। अब मैं आपको मैगन के साथ हुए हादसे के बारे में बता देता हूँ। असल में हुआ यह था कि एक क्रिमिनल को पकड़ते समय क्रिमिनल ने मैगन के पार्टनर पर गोली चला दी थी और उसकी मृत्यु हो गई, पर मैगन वहां बिल्कुल फ्रोज हो गई और कुछ भी नहीं कर पाई, जिसका पछतावा लेकर मैगन आज तक जी रही थी। तो यह सिर्फ एक हॉरर मूवी ही नहीं है, यह एक ऐसी मूवी है जहां पर मैगन अपने अंदर की प्रॉब्लम से लड़ रही थी। खैर, असल प्रॉब्लम शुरू होती है अगली रात, जब रैंडी हैना ग्रेस की डेड बॉडी को लेकर मॉर्ग में आता है। अब ऐसा होने के बाद यूजुअल प्रोटोकॉल मैगन फॉलो करती है। मैगन हैना की बॉडी की फोटोज लेने की कोशिश करती है, पर फोटोज अपलोड नहीं होती। वो उसके फिंगरप्रिंट्स को लेकर अपलोड करने की कोशिश करती है, पर तभी पूरा सिस्टम क्रैश हो जाता है। मैगन इसकी बॉडी को चैम्बर में सील करती है, पर बार बार किसी कारण से जब भी हैना को अंदर करती है कुछ ना कुछ चीजें हिलने लगती हैं, जैसे किसी डेमोनिक प्रेजेंस का सीन वहां पर बनता हुआ दिख रहा था। और फाइनली पीछे पड़े हुए टेस्ट ट्यूब्स नीचे गिर जाते हैं। उनको उठाने के चक्कर में मैगन के फिंगर पर चोट आ जाती है और मैगन की खून की एक बूंद हैना की बॉडी पर गिर जाती है और वो चैम्बर बंद कर देती है। पर चैम्बर अपने आप ही बार बार खुल जाया करता था और ये बार बार कंटिन्यूसली हो रहा था। हैना की बॉडी बड़ी अजीब सी पोजीशन में थी, और यह बात मैगन को बहुत ज्यादा ऑड लगती है, क्योंकि वो एक एक्स कॉप थी।
मैगन किसी तरह से पुलिस सर्वर में एंट्री लेकर हैना के बारे में देखती है और उसके लाइसेंस में नजर आता है कि हैना 15 साल की थी और उसकी आंखों का रंग ब्राउन। लेकिन हैना की बॉडी पर देखने पर इसकी आंखों का रंग नीला था, जो कि साफ साफ जाहिर करता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ है। हैना की बॉडी को मॉर्ग में लाने से पहले एक अनजान व्यक्ति यहाँ मॉर्ग में आया था, लेकिन मैगन ने उसको अंदर आने नहीं दिया क्योंकि वो विजिटिंग आर्ट्स नहीं थे। अब धीरे धीरे मूवी आगे चलती है और लाइट्स का ऑन ऑफ होना, हैना का चेम्बर खुद पे खुद ओपन होना, और ये सब तो हो ही रहा था। पर तभी वो अनजान व्यक्ति मॉर्ग में घुस जाता है और मैगन को डराता है, और उसका मकसद था हैना की बॉडी को जलाना। लेकिन मैगन किसी तरह से लड़ाई करके सिक्योरिटी गार्ड को बुला लेती है और वो इंसान बस एक ही बात कहता है कि शी इज नॉट डेड, हमको इसको जलाना होगा, और इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब मैगन फिर से जाती है हैना के चैम्बर को क्लोज करने, पर इस बार हैना का फेस मूव होता हुआ हम व्यूअर्स को दिखाया जाता है, और मैगन जैसे ही इसके पास जाती है हैना एक्सहेल्स, और बस तभी वो काफी डर जाती है। इसी बीच वहाँ लीजा, डेव और मैगन का बॉयफ्रेंड एंड्रयू इसको कंफर्ट देने आते हैं, लेकिन इसी बीच में हैना जाग जाती है और इधर उधर मॉर्ग में घूमने लगती है। डेव अंदर चला जाता है और डेव को हैना मार देती है। अब डेव का किसी को भी कुछ भी पता नहीं लगता। मैगन अंदर आकर हैना को देखती है और उसके वेस्ट लाइन पर जो मार्क था वो अब गायब हो गया था। मैगन सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देखती है और वहां पर उसको हैना इधर से उधर घूमते हुए नजर आती है। लीसा को यह दिखाने पर वो मैगन पर विश्वास नहीं करती। अब लीसा एक स्मोक ब्रेक लेने जाती है, लेकिन तभी लीसा को डेव दिखाई देता है और उसको देखने पर फिर से वहां पर हैना दिखाई देती है। अब लीसा टेरेस पर भाग जाती है और उसको भी मार देती है हैना, जिस तरह से शुरुआत में फादर और डेव को मारा था। मैगन ने हैना के फिंगरप्रिंट दिए थे एंड्रयू को स्कैन करने के लिए और उनके रिजल्ट्स नेगेटिव आते हैं। अब रैंडी वहां मॉर्ग में एक और बॉडी को ड्रॉप करने आता है। मैगन रैंडी को हैना की बॉडी की वेस्ट लाइन वाली मार्क दिखाती है और वो वहां पर गायब हो चुका था। रैंडी भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बस अब रैंडी का नंबर था। जैसे ही रैंडी बाहर जाता है, हैना उसको भी मार देती है। मैगन सीसीटीवी कैमरा में हैना को देखती है और जब तक वो पार्किंग एरिया में पहुंचती है, रैंडी मर चुका था। मैगन को एंड्रयू का फोन आता है कि वो अनजान व्यक्ति यहाँ से भाग गया है, पर तभी वो अनजान व्यक्ति फिर से मैगन को पकड़ लेता है, और यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि हैना का पिता था। ये दोनों हैना की बॉडी को रिकवर होते हुए अपनी आंखों के सामने देखते हैं। हैना का पिता बताता है कि इसके अंदर एक डीमन है और ये औरों को मार के खुद को रिकवर करता है और फिर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए चला जाता है। इसको हमें जलाना होगा और इसके अलावा कोई भी हथियार इसको बस स्लो ही करता है। जैसे ही इसको जलाने के लिए जाते हैं, तभी हैना के अंदर का शैतान जाग जाता है और बस अपने पिता को ही वो जला देती है और मैगन के पीछे पड़ जाती है। लेकिन वो मैगन को मारती नहीं है, उसका कारण मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैगन खुद को अब हैना के चैम्बर में बंद पाती है और साइड में उसको दिखती है डेव और लीजा की बॉडी। किसी तरह से मैगन बाहर आ जाती है। अब मॉर्ग के अंदर एंड्रयू और एक सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है, पर हैना सिक्योरिटी गार्ड को भी मार देती है और एंड्रयू को भी मारने ही वाली थी, लेकिन इस बार मैगन बचकर नहीं जाती और हैना पर गन शॉट बरसाने लगती है। मैगन एंड्रयू को हेल्प लाने को बोलती है और किसी तरह से मैगन हैना को जला देती है। सब कुछ ठीक हो जाता है और अंत में एक फ्लाई जो हैना की बॉडी पर थी उसको मैगन मारती है। आखिर में मैगन ये कहती है कि नाउ आई एम गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे, और मूवी खत्म। तो दोस्तों यही थी द पोजेशन ऑफ हैना ग्रेस मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन। अब बात करते हैं सारी रेटिंग्स और एक्टिंग के बारे में। तो आईएमडीबी पर इस फिल्म को 5.2 रेटिंग मिली है, लेकिन हमको यह ध्यान रखना चाहिए कि यह रेटिंग पूरी दुनिया में से बस 2000 लोगों ने दी है, तो इस बात पर हम फिल्म को बेकार नहीं कह सकते। और अगर मैं बात करूं क्रिटिक्स की, तो एक बात से मैं सहमत हूं कि मूवी में कुछ इनोवेटिव नहीं किया गया है। हालांकि मूवी में टेंस माहौल और जंप स्केयर्स हैं, लेकिन ऑटोप्सी ऑफ जेन डोई मूवी जो है बिल्कुल वैसी ही फील आती है इस मूवी को देखकर। हालांकि दोनों मूवीज का कंसेप्ट डिफरेंट है, पर हैना ग्रेस मूवी में काफी चीजें अजीब थी और क्लियर नहीं करी गई। जैसे डेव और लीसा मिसिंग थे, लेकिन किसी ने भी किसी को भी फोन नहीं करा और ढूंढा भी नहीं। अब हैना को किस डीमन ने पोजेस किया था इसके बारे में भी कुछ पता नहीं करा गया। कोई भी बैकग्राउंड इसके बारे में हमें नहीं बताया गया। और भी ऐसी काफी सारी छोटी छोटी चीजें फिल्म में दर्शाई गई हैं। चलिए अब बात करते हैं कि हैना ने मैगन को शुरुआत में ही क्यों नहीं मारा। तो इसका कारण यह था कि मैगन की सोल और बॉडी स्ट्रांग थे, और जब मैगन का खून का कतरा हैना की बॉडी पर गिरा था, तो हैना के अंदर के डीमन ने ये चीज समझ ली थी और वो डीमन खुद को मैगन के अंदर डालना चाह रहा था। पर यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी और उसका परिणाम डीमन को भुगतना पड़ा।
खैर मेरे हिसाब से इस फिल्म को 6 रेटिंग में देना चाहूंगा आउट ऑफ 10। और बात करूं एक्टिंग की तो मेगन यानी कि शे मिशेल और हैना ग्रेस यानी कि कर्बी जॉनसन का ही मेन रोल है और इन दोनों ने ही काफी अच्छी एक्टिंग की है। इनफैक्ट अगर मैं रियल टाइम और थिएटर में लोगों के रिएक्शंस की बात करूं तो लोग कंटिन्यूअस मूवी को देख रहे थे और मूवी आपको कंटिन्यूअस पकड़ के रखती है। बाकी जंप स्केयर्स पर भी लोग डर रहे थे तो मूवी मेरे लिए तो फन थी एटलीस्ट। क्या आपको ये मूवी देखनी चाहिए? तो मैंने आपको इसकी पूरी स्टोरी और रिव्यू दे दिया है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस एक्सप्लेनेशन से डिसाइड कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैं आप सबको मिलता हूँ घोस्ट सीरीज यूट्यूब चैनल की नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए।